3 2 1 शूट। शेर के पास, शेर हाथी दिख गया। ये देखो भाई, बहुत ही भालू देखे हैं? नहीं देखे हैं? आओ चलो दिखाते हैं, आ जाओ। ये देखो टाइगर, अरे ये नहीं भाई, वहाँ पे देखो भीड़ लगा है। देखो उधर दो टाइगर हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और एक नया दिन और एक नई शुरुआत। तो अभी हमें भाई गल्ला में, और आज इस वीडियो में हम आपको घुमाने वाले मुंबई के सबसे बड़े चिड़ियाघर में, ठीक है, रानी बाग में। तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। अगर देखना है हाथी, भालू, शेर, चीता, तो बहुत सारे जानवर देखने ना, तो हमारे इस ब्लॉग में शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़े रहे। चलो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से बाहर, और इसके बाद में करते हैं टैक्सी या फिर वॉक करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, अभी हम भाई गल्ला रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं। तो ये रहा भाई गल्ला का कुछ रेलवे स्टेशन का नज़ारा, बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही अच्छा लग रहा। देखो उधर कितना अच्छा बनाया हुआ है, वाह मस्त। तो अभी हम ज़्यादा लेट करेंगे नहीं, क्योंकि 6 बजे चिड़ियाघर बंद हो जाता है, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी से चलना है, और पब्लिक में ऐसे ब्लॉग करना भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सच में। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं भाई क्या कर रहा है ये बंदा, क्या नहीं कर रहा, अच्छा लगता है। तो अभी हम स्टेशन के बाहर आ गए हैं और वॉक करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है ना यहाँ से चिड़ियाघर। तो यार क्यों मतलब ऐसे फालतू में पैसे देने यार, ठीक है। और वैसे भी मेरे पास पैसे की बहुत कमी है भाई सच में, अभी मेरा यूट्यूब से पेमेंट वगैरह भी नहीं आ रहा, तो इसी वजह से वॉक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अभी वो 20-30 ले लेंगे, उसमें में कुछ खा लेंगे, कुछ पी लेंगे, ठीक है। ये देखो अंकल लोग, बाय बाय भाई। ऐसे पब्लिक में ब्लॉग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। तो चलो हमारे सामने ये रहा चिड़ियाघर, एंट्री करते हैं। आ ही गया घर, तो जस्ट वो रहा, बट ये ब्रिज है ना, ब्रिज ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के नीचे से घूम के जाना पड़ेगा मुझे। आई थिंक 1 किलोमीटर हो जाएगा भाई, अगर ये ओवर ब्रिज नहीं होता ना तो जस्ट हम पहुंच सकते थे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर पे, ठीक है। और चिड़ियाघर का यार नाम देख रहे हैं चेंज कर दिया गया, पता नहीं भाई कैसे। चलो देखो चिड़ियाघर का नाम है वीर माता जीजाबाई भोसले सुल्तानवा प्राणी संग्रहालय, ठीक है। पहले इसका था, मैं आया था एक बार, बहुत दिन हो गया, इसका नाम था पहले रानी बाग, बट अभी चेंज कर दिया गया। तो चलो अभी अंदर एंट्री करते हैं और टिकट वगैरह देखते हैं कितने का है, और देखते हैं शेर, भालू, हाथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी। अभी हम अंदर एंट्री कर दिए हैं और यहाँ पे देखते हैं टिकट काउंटर भाई कहाँ पे है, वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। तुम्हारे जस्ट वहाँ पे है पीछे, हम सबसे पहले देखते हैं टिकट काउंटर। मैं भूल गया हूँ, मैं आया था पहले बट अभी याद नहीं रहा यार, बहुत दिन हो गया, ठीक है, तो मुझे पता नहीं। और ये देखो कितना प्यारा भाई यहाँ पे टाइगर बनाया हुआ है। तो ये रहा हमारे सामने टिकट काउंटर, चलते हैं सबसे पहले टिकट लेते हैं। और यहाँ पे भाई बहुत बड़ा देखो डायनासोर बनाया हुआ है, सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक लगा, एकदम रियलिटी मतलब रियल में दिख रहा भाई ये। ये देखो किस तरह से दिख रहा, खतरनाक दिख रहा भाई, एकदम से रियल दिख रहा ये देखो। चलो सबसे पहले लेते हैं टिकट, ठीक है, और देखते हैं टिकट कितने का है, एंट्री करते हैं। अदरवाइज मेरे पास 3 ही घंटे हैं, ठीक है, 3 घंटा नहीं, 2-2.5 घंटा ही समझ लो, क्योंकि अभी तो प्रोसेस में टाइम जाएगा मुझे अंदर जाने में। ये रहा टिकट काउंटर, कब तक जाने का, कब तक रहेंगे ऐसे। मैंने तो टिकट ले लिया, 50 रुपीज़ का ये टिकट है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखो कितना प्यारा नज़ारा है, चलो कुछ सिनेमैटिक एंजॉय करो, ठीक है, तब तक हम एंट्री करते हैं अंदर। तो ये रहा एंट्री गेट जहाँ से एंटर होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर, और अंदर चल के दिखाते हैं आपको सारे जानवर, एक एक करके सबको दिखाएंगे, लेट्स गो। हम अंदर इंटर हो चुके हैं, और जो मेरा वॉइस आ रहा ना भाई, मतलब मुझे सर्दी हो गई है, तो वॉइस मेरा फटाफटा के जैसा आ रहा होगा, तो एडजस्ट कर लेना। और आप कोई माइक अगर सजेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप मुझे कोई माइक सजेस्ट कर दो, जिससे मैं ब्लॉगिंग अच्छे से कर पाऊँ, मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ भी उसको रिमूव कर दे, और जो मेरा वॉइस है वो काफ़ी इन्हेंस होके आए, ठीक है, क्वालिटी भी उसका अच्छा हो, अल्डर 1000, ठीक है।
तो अगर अगर आप लोग जानते हैं, अगर कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई यूट्यूबर है यूज़ करता है 1000 के अंडर, तो वो मुझे सजेस्ट कर सकता है, ठीक है, वो माइक मैं ले लूँगा। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम और दिखाते हैं फिर क्या क्या है। तो ये देखो ब्रिटिश राज का ये मशीन गन है, ठीक है, जिसको पहले डक 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 करके लोग चलाते थे, ऊपर से वहाँ पे गोली वगैरह सब डालते हैं, और नीचे देखो ट्रिगर है इसका दिख रहा है, यहाँ से फायर करते थे भाई, ऐसे रखा हुआ एकदम, बहुत पुराना हो चुका है ये देखो। और आगे वाला जो पोजीशन है ना, ये पीतल का, ये छू भी सकते हैं हम इसको, ये देखो सामने से ऐसे भाई निकलता है गोली। आपको यही लग रहा होगा कि भाई ये लोग कैसे फायर करते थे, ठीक है, शूट कैसे करते थे, तो क्यों परेशान होते हो, आपका भाई है ना, चलो शूट करके दिखाते हैं। 3, 2, 1 शूट। आई होप आप देख लिए होंगे कि कैसे शूट करते थे वो लोग। एनीवे अब बढ़ते हैं हम एनिमल्स के तरफ, ठीक है, चलो आपको एनिमल्स दिखाते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले हम चलेंगे शेर के पास, शेर के पास, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो हमको दिख गया हाथी, दिख गया हाथी, दिख गया, ये देखो उधर, ये देखो भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है वहाँ पे खड़ा हुआ हाथी, एक ही है भाई, एक ही दिख रहा है वो, देखो ये बरसात में पूरा, ये मतलब आई थिंक मुझे लग रहा होगा ये बरसात में सब बढ़ गया होगा, नहीं तो ये पूरा क्लीन रहा, मतलब जब मैं एक बार आया था ना बहुत दिन पहले, तो ये पूरा क्लीन रहता था, बट अभी देखो कितना घास भूस हो गया है बरसात की वजह से। अभी वो हाथी वहाँ पर बंधा हुआ है, देखो वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं अंकल। हाँ हाथी दिख गया, हाथी दिख गया, तो चलो हम अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल की तरफ, ठीक है, ढूंढ रहे भाई शेर को, शेर कहाँ पे मिलेगा, कहाँ शेर, चैनल गोविंद ब्लॉग्स है, आप भी आ गए हैं ब्लॉग में, आप भी आ गए हैं, आप भी आ गए भैया, हाँ ठीक है ठीक है, गोविंद ब्लॉग्स, गोविंद ब्लॉग्स अभी सब्सक्राइब करो अभी, जस्ट ये देखो गाइस जस्ट सब्सक्राइब करवा रहे हैं भाई से। कहाँ से हो आप वैसे, आप लोग यूपी से, यूपी से हम भी हैं भाई, यूपी से कहाँ, गोंडा जिला, अरे यार हम भी तो बस्ती के रहने वाले हैं, दे ताली यार, गोंडा के हो, यूपी हो, बस्ती के कहाँ जान जाएगा भाई, घूमते घूमते प्यास तो लगना ही है यार, सबसे पहले पी लेते हैं पानी फिर आगे बढ़ते हैं। हमको हुआ सर्दी और सर्दी में हम पिएंगे तो चिल्ड वाला पानी, बिल्कुल ठंडा है ना, हाँ हाँ हो गया। भालू देखे हैं नहीं देखे हैं, और चलो दिखाते हैं, आ जाओ देखे देखे ऊपर सो रहा है, एक तो इधर आ गया दिख रहा है, ये देखो ये जो भैया मिले हैं हमारे गांव वाले, क्या नाम है, सूरज नाम है इनका, और ये आज मतलब हमारा कैमरामैन बनने वाले हैं, पूरा वीडियो यही शूट करने वाले हैं, ठीक है, जू का आओ चलो आगे दिखाते हैं, फिर शूट पे लग जाइए अपने काम पे। इसमें एक ही है देखो, ऊपर वही बैठा है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर देखो ऐसे पानी वानी निकल रहा है वहाँ से, झरना टाइप का, ठीक है, एक घर वहाँ पे बनाया गया इनके लिए, बट उसमें है नहीं यार, दिख नहीं रहा, एक ही है। तो चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। ये देखो भाई जो अभी चल के रास्ता आ रहे हैं ना, कैसा है, हाँ वही बहुत अच्छा लग रहा है, मजा लाइफ, टाइगर उधर है, टाइगर वही तो, टाइगर के लाइफ, ये देखो टाइगर, अरे ये नहीं भाई वहाँ पे देखो भीड़ लगा है, चलो वहाँ पे दिखा रहा है भाई कितना ज्यादा क्राउड है, ये देखो भाई शेर देखने के लिए भीड़ लगा, शेर देखने के लिए, ओ भाई देखो उधर दो टाइगर देखो, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, जूम करके दिखाओ कैमरामैन, खतरनाक भाई, खतरनाक चलो भाई थोड़े साइड देना, भाग देना
और ये जो ग्लास है ना भाई, हाँ उसके लिए कुछ दिक्कत होगा, इधर आ नहीं सकता शेर, इधर नहीं आ सकता है, इधर नहीं आ सकता है। चलो चलो आ भी गया, उसका भी लिया, उसका भी लिया। ओ भाई, मुंबई की सारी जनता ये शेर देखने के लिए, शेर देखने के लिए, ये देखो बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई, खतरनाक भाई। काफी भीड़ था, और ये देखो इसको इसको दो है भाई, दो इसको जूम करके दिखाओ भाई, कैमरामैन जूम करके दिखाओ, ये देखो साला उसमें ऐसे लट रहा भाई, गुलटिया मार रहा, वो गुलटिया मार रहा उसे बाहर निकल नहीं रहा है, वो निकल रहा है, एक मिनट निकल रहा था, नहीं निकल रहा। हम लोग इतना मेहनत करेंगे कैसे होगा। ये देखो गाइस, यहाँ से ऐसे दिख रहा, मतलब वो लोग सर ऊपर ही नहीं कर रहे भाई, उसी में गुलटिया मार रहे। देखो एक किया थोड़ा, देखो हिप्पो देखने के लिए इतना ज्यादा भीड़ है, शेर से कम ही है भाई, शेर के पास में बहुत ज्यादा क्राउड था ना, बहुत। अरे भाई इसमें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है यार इसमें, आगे बढ़ते हैं। चलो चलते रहो, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, बंदर कौन नहीं होता भाई, हमारे गांव में बहुत बंदर होते हैं यार बगीचे में, ठीक है ना, लेकिन यहाँ बंदर को सब देखने के लिए एकदम करीब से आते हैं, सेल्फी लेते हैं। देखो ना कैसा है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा भाई। हेलो इधर इधर अरे भाई कुछ नहीं, अब तक ये गांव के बंदर होते ना, इतने में साले सर पे चढ़ के नाचते यार वो। वही ओके यार भाई, ये देखो हमारे पीछे गार्डन लगाया गया है, कितना ज्यादा यार ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखो। चलो अभी बहुत सारे एनिमल्स दिखाने आपको बाकी है, ठीक है, लास्ट में बहुत बड़ा वाला एनिमल दिखाने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, ठीक है, तो चलो चलते हैं एनिमल के तरफ, ठीक है। ये देखो गाइस, सामने हिरन बैठे हुए, देखो सब इकट्ठा होके बैठे भाई एक में, ये अकेले इधर बैठा हुआ, पता नहीं क्यों इधर सबसे अलग, ये सैड सैड दिख रहा पूरा, इसको पता नहीं क्या हो गया। कैसा लग रहा बाबू?
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Okay guys, आपको बहुत ही यूनिक चीजें भी दिखाने वाले हैं, ठीक है? पैगविन दिखाने वाले हैं, ये देखो। इसके अंदर हम लोग अभी इंटर करेंगे, ठीक है? और पैगविन मतलब ये ना, ये जो एनिमल हैं, ये पाए जाते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है? देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम हम भी देखेंगे ना, ठीक है? पहली बार देखेंगे ऐसा। चलो चलते हैं अंदर। गाइस इसके अंदर देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, वो दिख रहा हुआ है। ये देखो गाइस कितने यार ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो कितने तेज से लोग भाग रहे हैं, ये देखो। वाओ, ये देखो भाई, ये लोग हमेशा मतलब ठंड में रहते हैं, ठीक है? इनको यहाँ पे पूरा, इनको जो बनाया गया ना, पूरा एसी में बनाया गया। देखो कैसे तैर रही है लोग, कितना मस्त लग रहा है यार, ये देखो। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कुछ लोग देखो वहाँ ऊपर में, देखो किस तरह से वो लोग बैठी हुई हैं, देखो मजा ले रहे हैं। ये देखो गाइस कितने सारे लोग देख रहे हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्त दिख रहा है एकदम। भाई जू के अंदर ना बहुत ही यार तगड़ा वाला यहाँ पे, ठीक है, रेस्टोरेंट बना हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पे आके मतलब फूड वगैरह सब मिलता है, खा सकते हैं यहाँ पे। आपको अभी दिखाते हैं, बर्ड्स दिखाते हैं, ठीक है? वो स्नैक वाला अनफॉर्चुनेटली बंद है, देखो वहाँ पे होता है। अब उसको क्यों बंद किए भाई, पता नहीं। ये रहा मतलब बर्ड्स वाला, ठीक है, चलो और दिखाते हैं। ये देखो भाई कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, पैरट है, यहाँ बड़े बड़े यहाँ पे है, इधर है, बाकी इधर है। इधर यार इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, पूरा सब खाली है यार। ये देखो व्हाइट वाले पैरेट है भाई ये। अभी देखो गाइस शाम के 6 बज गए और सब देखो भगा रहे हैं, जितने भी गार्ड हैं यहाँ से, देखो सब भगा रहे हैं। ये देखो आ गए ब्लॉग। ये जू का जो मतलब टाइमिंग था वो खत्म हो गया, अभी 6 बज चुके हैं, ठीक है? अभी पूरा एंट्री बंद कर दिया गया, देखो कितना पब्लिक है यार सामने, सब आगे से मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गया है यहाँ पे। गाइस अभी हम निकल दिए अपने घर के लिए। आई होप आज का जो ये हमारा ब्लॉग था आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसा लगा। अगर आप यहाँ तक हमारा ब्लॉग देख लिए हो तो रेड कलर का बटन होगा उसको दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है? बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना, ताकि नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही आगे और मिलता रहे। एंड अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी कुछ थोड़ा इसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है? इतना मेहनत करता हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।